जय माता दी दोस्तों, माय स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल में मैं रवि शर्मा एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। सब्सक्राइब करें माय स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल और दबाएं घंटी का निशान। आज है 22 सितंबर और 22 सितंबर की न्यूज से जो भी क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं आइए देखते हैं। तो शुरुआत करते हैं आज के पहले पॉइंट की। 29 को JNU में मनाया जाएगा सर्जिकल स्ट्राइक डे। तो सर्जिकल स्ट्राइक डे की हम चर्चा पिछले वीडियो में कर चुके हैं, लेकिन आज जो इसमें महत्वपूर्ण बिंदु दे रखे हैं उनके विषय में हम चर्चा करेंगे। ये हैं वह 6 डिफेंस इंस्टीट्यूट जो कि एग्ज़ाम में काफ़ी बार आए हुए हैं। तो ये 6 डिफेंस इंस्टीट्यूट हमें याद होने चाहिए कि कौन सा इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है। तो पहला है आर्मी कैडेट कॉलेज जो देहरादून में स्थित है। सेकंड है हमारा कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग जो पुणे में स्थित है। थर्ड है मिलिट्री कॉलेज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग जो सिकंदराबाद में स्थित है। और फोर्थ है हमारा मिलिट्री कॉलेज ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग जो मऊ में स्थित है। और फिफ्थ है हमारा राष्ट्रीय रक्षा अकादमी जो कि एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछा गया है जो पुणे में स्थित है। और लास्ट है हमारा भारतीय नौसेना अकादमी जो एजीमाला कन्नूर जिला केरल में स्थित है। तो ये 6 डिफेंस इंस्टीट्यूट आपको याद होने चाहिए जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और सर्जिकल स्ट्राइक डे जो 29 सितंबर को मनाया जाएगा उसकी चर्चा हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं। बात करते हैं अगले पॉइंट की। दिसंबर में बनारस में होगा देश का पहला पर्यावरण महाकुंभ। 2 दिवसीय महाकुंभ में देश भर के पर्यावरणविद जुटेंगे। सांस्कृत और वैज्ञानिक दोनों पहलुओं पर होगा व्यापक विमर्श। तो जी हां साथियों, देश का पहला पर्यावरण महाकुंभ 1 दिसंबर से बनारस में आयोजित होने जा रहा है। इसकी जिम्मेदारी महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ को मिली है। 2 दिवसीय कुंभ में देश भर के पर्यावरणविदों की जुटान होगी। इसमें पर्यावरणविदों के अलावा समाज सेवियों और जनप्रतिनिधियों समेत 3000 लोगों के शामिल होने की संभावना है। तो साथियों, दिसंबर में जो पर्यावरण महाकुंभ होगा वह होगा बनारस में। बात करते हैं अगले पॉइंट की। गुलजार और रहमान तैयार करेंगे हॉकी विश्व कप का टाइटल सॉन्ग। जी हां साथियों, 2018 पुरुष हॉकी विश्व कप है वो भारत में आयोजित किया जाएगा जो उड़ीसा राज्य में आयोजित होना है। तो साथियों, हिंदी सिनेमा को कई यादगार गाने देने वाली गुलजार और AR रहमान की सदाबहार जोड़ी एक बार फिर साथ आ रही है। इस बार ये दोनों किसी फिल्म के लिए गाने नहीं लिख रहे बल्कि पुरुष हॉकी विश्व कप के लिए टाइटल सॉन्ग तैयार कर रहे हैं। इसके बोल हैं जय हिंद हिंद जय इंडिया, इसे गुलजार ने लिखा है और रहमान इसकी धुन तैयार कर रहे हैं। हॉकी विश्व कप का आयोजन उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में इसी साल 28 नवंबर से 15 दिसंबर के बीच किया जाएगा। इस टूर्नामेंट में 16 देश भाग लेंगे। 1982 में मुंबई और 2010 में नई दिल्ली के बाद इस टूर्नामेंट का तीसरी बार भारत में आयोजन हो रहा है। तो जी हां साथियों, हॉकी विश्व कप 2018 भारत में उड़ीसा राज्य में आयोजित किया जाएगा। बात करते हैं अगले पॉइंट की। स्वास्थ्य क्षेत्र में सबसे बड़ी पहल, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना सरकार प्रायोजित दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सेवा योजना होगी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से रांची से आयुष्मान भारत योजना के दूसरे प्रमुख घटक प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत 25 सितंबर को की जानी है, लेकिन 24 सितंबर से पितृपक्ष की शुरुआत होने की वजह से यह कल यानी 23 सितंबर को शुरुआत की जाएगी। आइए बात कर लेते हैं आयुष्मान भारत योजना की। तो इसकी शुरुआत 1 अप्रैल 2018 को की गई थी और इसकी शुरुआत 25 सितंबर को किया जाना प्रस्तावित किया गया था, लेकिन पितृपक्ष की वजह से यह कल यानी 23 सितंबर को शुरुआत की जाएगी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
रांची झारखंड से इसकी शुरुआत करेंगे। आयुष्मान भारत योजना, इसकी शुरुआत 1 अप्रैल 2018 को की गई थी और 25 सितंबर को इसकी शुरुआत किया जाना प्रस्तावित था। 25 सितंबर इसलिए ली गई थी क्योंकि 25 सितंबर को जनसंघ के संस्थापक दीनदयाल उपाध्याय की जयंती मनाई जाती है, लेकिन 24 सितंबर से पितृपक्ष की शुरुआत होने की वजह से इसकी शुरुआत कल यानी 23 सितंबर को की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रांची यानी झारखंड से इसकी शुरुआत करेंगे। इसका लाभ लगभग 10 करोड़ से भी अधिक परिवारों को मिलेगा, जो आर्थिक रूप से कमजोर लोग यानी जो बीपीएल धारक हैं उनको। यह योजना देश की कुल आबादी का 40% लगभग लोगों को लाभ देगी। आयुष्मान भारत योजना है वह स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने शुरू की है। यह दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सेवा योजना है। तो साथियों, ये आपको याद होनी चाहिए कि यह कब शुरू की गई और किस वजह से शुरू की गई। बात करते हैं अगले पॉइंट की। जीएसटी के तहत यस बैंक पर लगा 38 करोड़ जुर्माना। बैंक ने विरोध के साथ विभाग को जुर्माने का भुगतान किया। पैसे भेजने की सेवा देने पर टैक्स कम चुकाने का आरोप। निजी क्षेत्र के यस बैंक पर जीएसटी अधिकारियों ने 38 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। घरेलू धन प्रेषण में नियम उल्लंघन के आरोप के लिए लगाए गए जुर्माने का बैंक ने भुगतान कर दिया है। जी हां साथियों, जीएसटी के अधिकारियों ने यस बैंक पर 38 करोड़ का जुर्माना हाल ही में लगाया है और यस बैंक के जो सीईओ हैं वो हैं राणा कपूर। बात करते हैं अगले पॉइंट की। चालू वित्त वर्ष में विकास दर अनुमान 0.4% बढ़ा। आर्थिक विकास दर 7.8% रहने का अनुमान। जी हां साथियों, जो विकास दर 7.4% अनुमानित की गई थी वह बढ़कर 7.4 से अब 7.8% हो गई है। तो जी हां साथियों, आर्थिक विकास दर में 0.4% की वृद्धि हुई है। बात करते हैं अगले पॉइंट की। द्रोणाचार्य अवार्ड नहीं मिलने पर जीवन ज्योति ने दिया इस्तीफा। खेल मंत्रालय की तरफ से द्रोणाचार्य अवार्ड के लिए जारी कोचों की सूची में नाम न होने के कारण भारतीय तीरंदाजी कोच जीवन ज्योत सिंह तेजा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। द्रोणाचार्य अवार्ड नहीं मिलने पर तीरंदाजी कोच जीवन ज्योत ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और जो द्रोणाचार्य अवार्ड मिला था कटप्पा को, जो कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था। बात करते हैं अगले पॉइंट की। मरीजों की सहूलियत के लिए 24 को देश भर में लॉन्च होगा निश्चय पोर्टल सेकंड। तो जो निश्चय पोर्टल फर्स्ट था वह 29 सितंबर को समाप्त कर दिया गया था और अब जो निश्चय पोर्टल सेकंड है वह 24 सितंबर को लॉन्च कर दिया जाएगा। तो जो निश्चय पोर्टल सेकंड है उसमें जो लाभ होगा वह होगा कि टीबी मरीजों को 6 से 7 अंकों की आईडी जारी की जाएगी और इसके साथ साथ इलाज के साथ ही मिलेगी पौष्टिक आहार के लिए राशि, जो कि पोर्टल फर्स्ट में यह सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी। मरीजों की सहूलियत और देश भर से क्षय रोग यानी टीबी को पूरी तरह से ख़त्म करने के लिए सरकार ने निश्चय पोर्टल में खास बदलाव किया है। बदलाव के साथ यह पोर्टल पूरे देश में लॉन्च होगा। यही नहीं, सीवीनाट मशीन की जांच रिपोर्ट सीधे पोर्टल पर पहुंचेंगी। तो आज के वीडियो में इतना ही। आप पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद। जय माता दी।